चलो एवरीवन, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जस्ट कंफर्म करना कि आपको स्क्रीन शेयरिंग दिख रही है। हाँ, एवरीवन प्लीज कंफर्म करिएगा कि स्क्रीन दिख रही है आपको। हाँ सर, दिख रही है। इशू मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटाइजेशन पार्ट टू, जिसमें से आज हम लोग सिक्योरिटाइजेशन से रिलेटेड सारे पार्ट सीखने वाले हैं। सिक्योरिटाइजेशन सीखने से पहले हम लोग आज एक एग्जांपल देखेंगे। इस एग्जाम्पल में कुछ अलग अलग बॉडीज़ यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, जैसे कि बोरोवर है, बैंक, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल, CRA डेट इज़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, बॉन्ड्स और इन्वेस्टर्स। सिक्योरिटाइजेशन का पूरा प्रोसेस अगर हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू सीख चुके हैं या फिर सीखेंगे, तो हमें आगे चल के आने वाले सारे पॉइंट्स ईजीली ग्रास्प हो सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। एग्जांपल शुरू करते हैं। सपोज एक बोरोवर है, उसे पैसों की ज़रूरत है, उसे लोन चाहिए, तो वो बोरोवर कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा बैंक के पास। बैंक के पास जाने के बाद बोरोवर क्या सोचेगा कि हमारे बैंक से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बैंक उसे कुछ मॉर्गेज के तौर पे उससे कुछ सिक्योरिटीज डिमांड करती है। तो बोरोवर के पास कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को वो बैंक के पास गिरवी रखता है, और जिसके लिए बैंक उसे क्या देती है? लोन देती है। बैंक क्या प्रोवाइड करती है? तो लोन प्रोवाइड करेगी, और उसके अगेंस्ट में वो प्रॉपर्टी क्या करेगा? यहाँ पर मॉर्गेज रखता है। ठीक है, मॉर्गेज रखने के बाद बैंक के थ्रू जो प्रॉपर्टी या लोन का पैसा मिला हुआ है, ऐसा एक बोरोवर के लिए एक ट्रांजैक्शन होता है। बैंक जनरली मॉर्गेज लेते वक्त ये कंप्लीट प्रॉपर्टी बैंक के पास कस्टडी में नहीं लेती है। इनके कुछ पेपर्स होते हैं प्रॉपर्टी के, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे या टाइटल डीड्स होंगी, वो टाइटल डीड्स बैंक अपने पास कस्टडी में रखती है। इस तरह कस्टडी में रखे हुए सभी मॉर्गेजेस के लिए, सभी मॉर्गेजेस डॉक्यूमेंट्स के लिए एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जिसे कहते हैं मॉर्गेज पुल, जिसे कहते हैं मॉर्गेज पूल। ये मॉर्गेज पूल एक पर्टिकुलर बोरोवर के लिए हम लोगों ने, प्रॉपर्टी के लिए बैंक ने उनकी कस्टडी में रख दिया। ऐसे अगर एक बोरोवर के साथ साथ ऐसे ढेर सारे बोरोवर्स और आते चले गए, ऐसे अलग अलग बोरोवर्स और नंबर ऑफ उसमें आते चले गए, तो बैंक हर बार उनकी तरफ से प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स मॉर्गेज पुल की तरह तौर पे लेती है और उनको लोन प्रोवाइड करती है। ऐसा सिलसिला हर बार चलते रहता है। जब बैंक के पास में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगी, तब बैंक इस तरह के लोन अलग अलग तरीके से डिसबर्स करती है। तो ये लोन जो होता है, ये लोन अलग अलग तरीके के लोन्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी लोन हो सकता है, या फिर पर्सनल लोन हो सकता है, या फिर एनी अदर लैप लोन हो सकता है, जिसे मॉर्गेज के थ्रू या फिर सिक्योरिटी के तौर पे कुछ ना कुछ पेपर्स यहाँ पर दिए जाएंगे, राइट? इसके बाद अगर बैंक के पास में और कस्टमर्स आ रहे हैं, और बैंक के पास होने वाली जो लिक्विडिटी है, वो लिक्विडिटी अगर ख़त्म हो चुकी है, तो बैंक उन कस्टमर्स के लोन रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से वो सारे कस्टमर्स किसी दूसरे बैंक के पास जाकर अपनी लोन की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर लेंगे। और बैंक जो ए बैंक है, तो इस बैंक को उनकी जो रेपुटेशन है या गुडविल है या फिर उनका जो बिजनेस है, वो कम हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए बैंक क्या करती है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसे हम लोग कहते हैं अलग कंपनी,
ये अलग कंपनी फॉर्म करती है या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी उसे स्पेशल पर्पस व्हीकल एज अ सब्सिडरी के टाइम पे यूज़ में लेती है। उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है इनका मेन फंक्शन क्या होगा? तो ये क्या करते हैं, बैंक से जो कोई भी कस्टडीज होती है, जो कोई भी मॉर्गेज पूल होते हैं, ये मॉर्गेज पूल यहाँ से लेकर वो अपने पास ले लेते हैं। मॉर्गेज पूल क्या करते हैं, वो बैंक की कस्टडी में से लेकर, मॉर्गेज पूल मतलब क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के हैं वो सारे टाइटल डीड्स वो यहाँ से लेकर स्पेशल पर्पस व्हीकल अपने पास ले लेते हैं, और जिसके लिए वो बैंक को यहाँ पर पैसे की अवेलेबिलिटी करके देते हैं, इन शॉर्ट लिक्विड कैश अवेलेबल करके देते हैं। ऐसा कब करेंगे, तो ये जो मॉर्गेज पूल यहाँ पर मिलने वाले हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल को, वो मॉर्गेज पूल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू, मॉर्गेज पूल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू ये स्पेशल पर्पस व्हीकल या स्पेशल पर्पस एंटिटी यहाँ पर उसे क्या कर लेती है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है, उनकी जो गारंटी है उसे एनालाइज कर लेती है, जिसके बेसिस पे फिर वो बैंक को पैसे ऑफर करती है। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल एक तरह की कंपनी होती है। अब मॉर्गेज पूल मिलने के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, यहाँ पर ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल से मिलने वाली जो बैंक को पैसे हैं, ये तो बैंक को मिल जाएंगे, लेकिन इसे मिलने से पहले स्पेशल पर्पस व्हीकल को ये जो मॉर्गेज पूल्स है, जो हमारी असेट्स है बैंक के लिए, अगर हम लोग सोचें तो बैंक को मिला हुआ, ये बैंक ने दिया हुआ जो लोन है, वो लोन हमारे लिए क्या है, तो ये हमारे लिए असेट है बैंक के लिए, बोरोवर के लिए ये लाइबिलिटी है। जब बैंक के पास में इस तरह के सारे लोन्स दिए जाते हैं और जिनके रीपेमेंट लॉन्ग टर्म में किया जाता है, तो लॉन्ग टर्म में होने की वजह से, कैश की इलिक्विडिटी की वजह से, ये कस्टडी में रखे हुए टाइटल डीड्स दैट इज मॉर्गेज पूल्स, ये इलिक्विड होने की वजह से उसे लिक्विड असेट्स में कन्वर्ट करने का जो पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। बैंक के पास जो इलिक्विड असेट्स है दैट इज मॉर्गेज पूल्स है, ये सारे इलिक्विड से लिक्विड असेट में करने के इस प्रोसेस को कहा जाता है सिक्योरिटाइजेशन, जिसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल ये अलग एंटिटी होती है जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉर्गेज पूल को क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से उनकी एनालिसिस करके फिर बैंक को ये सारी सिक्योरिटीज ऑफर करता है। लेकिन जो स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास पैसा कहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन होगा। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करते हैं, ये जो हमारे मॉर्गेज पूल्स हैं, ये मॉर्गेज पूल्स नॉर्मली हमारे लिए क्या करेंगे, तो मॉर्गेज पूल्स के लिए उन्हें छोटे छोटे सिक्योरिटीज में, अलग अलग सिक्योरिटीज में वहाँ पे बांट देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो मॉर्गेज पूल है, तो इन मॉर्गेज पूल को अलग अलग सिक्योरिटीज में बांटना, इसे हम लोग कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन, अलग अलग सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना। अब ये सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करते हैं, तो ये उन्हें बॉन्ड्स में या फिर कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है या फिर अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज होती है, जो डिबेंचर्स होता है, उस तरह की अलग अलग सिक्योरिटीज में इसे कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो कन्वर्जन होता है, इस कन्वर्जन को हम लोग सिक्योरिटाइजेशन का फर्स्ट फेज कहते हैं, कि इलिक्विड असेट्स जो हमारी मॉर्गेज पूल थी उसे लिक्विड असेट्स में कन्वर्ट करना। अब लिक्विड असेट में कन्वर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज लगेगी, तो ये बॉन्ड्स वहां पे होते हैं। ये जो बॉन्ड्स स्पेशल पर्पस व्हीकल यहाँ पर क्रिएट करते हैं, उन बॉन्ड्स को कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वेस्टर्स जो होता है वो परचेस करते हैं। अब परचेस करते वक्त वो क्या सोचेंगे कि ये जो बॉन्ड्स हम लोग परचेस करने वाले हैं, तो इनके लिए जो रिटर्न्स हमें मिलने वाले हैं वो रिटर्न्स किस तरह से होंगे, तो ये रिटर्न्स जनरली उनके बेसिस पे, रेटिंग्स के बेसिस पे मिलने वाला इंटरेस्ट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग्स क्या मिलेगा, तो उन्हें इंटरेस्ट मिलता है।
अब ये इंटरेस्ट कैसे होगा और रेटिंग्स कैसे होंगी, तो इसके लिए रेटिंग्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ट्रिपल ए, डबल ए या फिर ए, इस तरह की अलग अलग फॉर्म्स में होती हैं या उससे नीचे भी, जैसे कि बी प्लस होगा या फिर उसके बाद डी होगा, उसके बाद ढेर सारी एक एक लेवल नीचे रेटिंग्स होती है। तो ये रेटिंग्स डिफाइन करती हैं कि हर एक सिक्योरिटी जो है उनके लिए जो रिस्क है वो रिस्क किस लेवल की है, उसके बेसिस पे इंटरेस्ट का रेट जो है वो डिफाइन होगा। अब ये इंटरेस्ट का जो रेट है ये कहाँ से पता चलेगा या ये रेटिंग्स कैसे पता चलेगी, तो ट्रिपल ए का मतलब होता है कि जिस किसी भी बॉन्ड्स को ट्रिपल ए की रेटिंग मिली है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के थ्रू, जिस किसी भी सिक्योरिटीज को क्रेडिट रेटिंग के थ्रू ट्रिपल ए इस तरह की रेटिंग मिली है, तो उसका मतलब होता है कि ये जो पर्टिकुलर असेट है, ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड्स हैं, उनके लिए रिस्क का लेवल कम है। अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होंगे, तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। और जैसे जैसे रिस्क ये रेटिंग्स नीचे घटती चली जाएगी, वैसे वैसे इनका मतलब होता है कि रिस्क लेवल ज़्यादा है। अगर रिस्क लेवल ज़्यादा होगी तो इंटरेस्ट का रेट भी, रिटर्न्स भी हाई होंगे। तो इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं कि इन्वेस्टर को मल्टीपल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे करने के लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है, कि बॉन्ड्स जो होते हैं ये बॉन्ड्स अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड के लिए, अलग अलग अमाउंट्स के लिए वहाँ पे ये स्पेशल पर्पस व्हीकल इशू करता है। इन शॉर्ट जो कोई भी असेट होगी उस असेट को कन्वर्ट करके सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए इन सिक्योरिटीज़ को अवेलेबल करके दिया जाता है। इन सिक्योरिटीज़ को ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल कैसे होंगे, तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये इन्वेस्टर्स इन पर्टिकुलर बॉन्ड्स को क्या करेंगे, परचेस करेंगे। अब ये परचेस करेंगे तो परचेस करते वक्त वहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट वहाँ पे करेंगे, और अमाउंट पे करते हैं तो अमाउंट पे करते वक्त साथ ही साथ रिटर्न्स जो मिलेंगे वो रिटर्न्स यहाँ पर उन्हें गेन होंगे। जो अमाउंट्स वो यहाँ से बॉन्ड्स परचेस करने के लिए लेंगे उसे सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किया जाता है। अब ये सब कुछ प्रोसेस जिसमें कन्वर्टिंग ऑफ इलिक्विड असेट इनटू लिक्विड असेट्स, इसे हम लोग कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। लेकिन पैसा कब किसे कैसे मिलेगा, जैसे कि ये बैंक है जिनकी रिक्वायरमेंट थी कि मेरे पास में लिक्विड अमाउंट जो थी कैश की वो अब ख़त्म हो गई, जिनकी वजह से मैं बोरोवर्स को हम लोग लोन नहीं दे पा रहे, तो वो पैसे मिले क्या? नहीं। इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स खरीदेंगे, बॉन्ड्स परचेस करेंगे, बॉन्ड्स परचेस करने के बाद जो मिला हुआ पैसा होगा वो स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी के पास में जाएगा, कंपनी उसे बैंक को हैंडओवर करेगी। अब बैंक के पास लिक्विडिटी अवेलेबल होगी, और लिक्विडिटी अवेलेबल होने की वजह से जो मोर बोरोवर्स आएंगे, जो मोर क्लाइंट्स बैंक के पास में आएंगे, उन्हें वो पैसे वहाँ पे दे सकते हैं। और अगेन यही सिलसिला हर बार कंटिन्यू चलेगा। अब ये कंटिन्यू चलते वक्त ये कैश फ्लो जो है, ये कैश फ्लो अलग अलग लेवल से होके आता है। इन बॉन्ड्स को सब्सक्राइब करना, परचेस करना, उससे पैसे स्पेशल पर्पज व्हीकल को जाना, फिर बैंक के पास जाना, बैंक लोन देगी, लोन के रिपेमेंट्स होंगे, फिर बैंक के पास में पैसे आएंगे। इस तरह की अलग अलग लेवल की ये सारी सिक्योरिटीज जो होती है, ये सारी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये सिक्योरिटाइजेशन में आते हैं। सवाल आता है कि इनमें किसका क्या बेनिफिट हुआ। सबसे पहले बोरोवर, बोरोवर को क्या मिलता है, लोन। लोन इजीली मिल जाता है थ्रू द मॉर्गेजिंग द सिक्योरिटीज, जो प्रॉपर्टी उसके पास में उसके अगेंस्ट में उसे इमीडिएट कैश लिक्विडिटी मिलती है। बैंक को क्या बेनिफिट होता है सिक्योरिटाइजेशन का, बैंक के पास में जब कभी भी फंडिंग्स अवेलेबल नहीं होगी तो इजीली उनके पास में जो इलिक्विड असेट्स, ये जो हमारे कस्टडी में रखे हुए टाइटल डीड्स थे, ये टाइटल डीड्स हमारे लिए क्या है, असेट्स है। इन असेट्स को कन्वर्ट करना है, इन लोन डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करना है, तो इसे कन्वर्ट करके हम लोग कैश लिक्विडिटी यहाँ पर पा सकते हैं, जिसकी वजह से हम एडिशनल बिजनेस यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं टू आवर क्लाइंट्स। नेक्स्ट, स्पेशल पर्पस व्हीकल, इनको क्या बेनिफिट होगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल एक इंटरमीडिएटरी होती है जो पब्लिक से लिया हुआ पैसा पब्लिक को वापस लौटाने तक
मतलब अल्टीमेटली बोरोवर जो होते हैं वो भी पब्लिक है और इन्वेस्टर जो है वो भी पब्लिक है। इन दोनों के पैसे को यहाँ से लेकर वहाँ तक मूवमेंट्स देती है और इन मूवमेंट्स के लिए उन्हें क्या मिलता है, तो कमीशन या फिर फीस या फिर चार्जेस। और ये चार्जेस किसके बेसिस पे होंगे, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उनके बेसिस पे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इनका क्या बेनिफिट होगा? इनका कोई बेनिफिट नहीं होता है, ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज होती है, राइट। देन इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए क्या बेनिफिट होगा? तो इन्वेस्टर्स के लिए नॉर्मली छोटी छोटी अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अवेलेबल होती है, नंबर ऑफ वेरिएबल सिक्योरिटीज अवेलेबल होती है, जैसे कि बॉन्ड्स होंगे, देन डिबेंचर्स होंगे, अलग अलग तरीके की सिक्योरिटीज जो फिक्स असेट या फिर टैंजिबल असेट्स में इन्वेस्ट ना करते हुए वो इस तरह की जो हमारी करंट असेट्स होती है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फायदा कैसे होगा, ये तो था बेनिफिट, फायदा कैसे होगा? फायदा, बैंक कस्टमर से चार्ज करते हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। जब ये बिजनेस यहाँ से स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास जाता है, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल को उसे वो ये पर्टिकुलर कस्टडी के लिए जो बैंक पैसे लेती है स्पेशल पर्पस व्हीकल से, तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल से मिलने वाला कैश ये मिलता है हमें लगभग 8% के हिसाब से। ये एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं, ऐसे हार्ड एंड फास्ट कोई परसेंटेज नहीं है, ये मार्केट पे डिपेंडेंट होते हैं। देन जो स्पेशल पर्पस व्हीकल ने ये कस्टडी में मिले हुए मॉर्गेज पूल को कन्वर्ट किया था बॉन्ड्स को, और ये बॉन्ड्स इशू किए जा रहे थे इन्वेस्टर्स को। अब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, तो ये 5 to 6%, 5% to 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से यहां पर उन्हें इशू करते हैं हमारे बॉन्ड्स। तो अल्टीमेटली जो गेन होगा, तो इन्वेस्टर के लिए 5-6% का गेन हुआ, स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए 8% का गेन हुआ, और बैंक के लिए 13% का गेन हुआ। तो अल्टीमेटली बैंक और स्पेशल पर्पस व्हीकल खुद के लिए कुछ ना कुछ मार्जिन रख कर फिर बाद में आगे ये सारी इन्वेस्टमेंट सॉरी ये सारी एक्टिविटीज कैरी करते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को स्पेशल पर्पस व्हीकल जो होती है वो क्या चार्ज करती है, तो फीस पे करती है। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये हमारी फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज होती है, जो हम लोगों ने एनबीएफसीज में देखा था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस में, राइट। तो ये फीस पे करती है कौन, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल पे करते हैं हमारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को, क्लियर। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर जो है ये हमारी सिक्योरिटाइजेशन की है, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे थेरी पार्ट पे। अब थेरी पार्ट पे सीखते वक्त सिक्योरिटाइजेशन का पहला पॉइंट जो कि है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन अब हम लोग पढ़ेंगे तो इजीली हमें कवर क्लियर भी होगा। सिक्योरिटाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेट, डेट कौन से हैं, तो जो हमारे लोन है बैंक ने जो लोन कन्वर्ट किए हैं वो वाले। असेट्स यूजुअली इलिक्विड असेट्स, अब डेट भी होंगे और असेट्स भी होंगे, ऐसे कैसे? बैंक ने प्रोवाइड किया हुआ लोन, बैंक ने जो लोन दिया है वो बैंक के लिए क्या है, असेट्स है, राइट। तो वो असेट्स, वो इलिक्विड असेट्स, वो नॉन करंट असेट्स हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इन टू सिक्योरिटीज विच आर देन ब्रॉट एंड सोल्ड इन द फाइनेंशियल मार्केट, जो फाइनेंशियल मार्केट में कन्वर्ट करने के बाद में सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल होगी, किसके लिए, तो ट्रेडिंग्स के लिए। देन डेट एज एन असेट, जैसे कि पहले ही कहा हम लोगों ने कि ये डेट जो है वो असेट्स क्यों है, पहले डेट बोलते हैं फिर बाद में असेट्स बोल रहे हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं, नहीं। बैंकिंग कंपनी के लिए जो असेट्स होंगी, जो उन्होंने लॉन्ग टर्म लोन्स दिए होंगे, तो उन लोन्स को सिक्योरिटाइजेशन में असेट्स कहा जाता है, राइट। देन बिकॉज डेट इज लाइबिलिटी फॉर द बोरोवर, जो हमारा बोरोवर था, ये जो बोरोवर है इसके लिए ये लोन लाइबिलिटी है और बैंक के लिए वही लोन असेट है, राइट। कैन ट्रेड द सिक्योरिटीज क्रिएटेड फ्रॉम द सिक्योरिटाइजेशन सिमिलर टू द स्टॉक्स बॉन्ड्स एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कोई भी हमारे रेगुलर ट्रांजैक्शन होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे,
उसी तरह यहाँ पर सिक्योरिटीज ट्रेड होती है जो हमारे सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू क्रिएट की जाती है। इन शॉर्ट, सिक्योरिटाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर अ फाइनेंशियल कंपनी कंबाइन्स सेवरल ऑफ इट्स असेट्स इनटू अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अ सिक्योरिटीज। देन अ फाइनेंशियल कंपनीज इशू दीज सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टर्स वो अर्न द इंटरेस्ट। जो बोरोवर एक ने प्रॉपर्टी के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए थे मॉर्गेज पूल की तरह, उसी तरह ढेर सारे बोरोवर्स होंगे, उसे मॉर्गेज पूल में इंक्लूड किया जाता है और इन मॉर्गेज पूल को स्पेशल पर्पस व्हीकल को बेचा जाता है, जिसके थ्रू हम लोग लिक्विडिटी यहाँ पर हमारे इंडिविजुअल कंपनी के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन के बाद में आते हैं हम लोग फीचर्स पे। अगर फीचर्स के बारे में सोचे तो पहला फीचर है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलिक्विड असेट्स इनटू लिक्विड असेट्स। जब हम लोगों ने एग्जांपल देखा तो उसमें भी यही बोला गया था कि जो कोई भी इलिक्विड असेट है उसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये इलिक्विड असेट कौन सी होगी? तो जिनका ड्यूरेशन, जिनका टेन्योर होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन बोरोवर प्रॉपर्टी लोन परचेस करता है या प्रॉपर्टी लोन बाय करता है, तो वहाँ पे उसे रीपेमेंट करने के लिए लगभग 20-25 साल का स्पैम होगा, टाइम होगा। तो इन टाइम पीरियड के लिए ये लॉन्ग टर्म असेट्स को रीगेन करने के लिए बैंक के पास 25 साल तो नहीं होंगे, तो इन 25 साल से अलावा वो इस तरह की सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस जो होती है उसे ऑप्ट करते हैं और लिक्विडिटी की पोजीशन वहाँ पे मेंटेन रखता है। सेकेंड पॉइंट है मार्केटेबिलिटी। द मेन पर्पज ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन इज टू इंश्योर द मार्केटेबिलिटी टू द फाइनेंशियल क्लेम्स। जो कोई भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स को इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है कि जो मार्केटेबल हो, जिसे हम लोग इजीली ट्रेड कर सके। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा कि उन्हीं जो मॉर्गेज पूल्स थे उन्हें हम लोगों ने बॉन्ड्स में कन्वर्ट किया था। नेक्स्ट, मर्चेंटेबल क्वांटिटी। अब मर्चेंटेबल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज फिजिकल गुड्स होते हैं तो उन फिजिकल गुड्स को कन्वर्ट करना जो होता है, और सॉरी ट्रेड करना जो होता है, वो आसान नहीं होता है। कि फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन है तो प्रॉपर्टी को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं क्या हर बार? नहीं। तो उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हमारे मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। उन मार्केटेबल सिक्योरिटीज की हम लोग जो वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज को हम लोग इक्वली या फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि शेयर्स की वैल्यू होती है, जैसे कि डिबेंचर्स की वैल्यू होती है, उसी तरह से बॉन्ड्स की भी कुछ वैल्यू होंगी, जिसे हम लोग डिवाइड करके फिर बाद में इजीली बाय या सेल करते आए, इस तरह से उसे रिफ्रेमिंग करते हैं। देन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। अब वाइड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? इंडिविजुअल अगर कोई असेट होगी और उन असेट्स को लेकर अगर सभी स्पेशल पर्पस व्हीकल ने अगर अलग अलग तरह की मार्केटेबल सिक्योरिटीज वहाँ पे कन्वर्ट की, और उन मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर टोटल असेट को, मतलब इन प्रॉपर्टीज को कोई एक पर्सन नहीं बाय करता है, उस प्रॉपर्टी की जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल, जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस में बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं, उन बॉन्ड्स को अलग अलग इन्वेस्टर्स अलग अलग जगह से परचेस करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो इसके लिए वाइड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर एक अलग फीचर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, कमोडिटाइजेशन। अब ये कमोडिटाइजेशन क्या होता है? सिक्योरिटीज इज द प्रोसेस ऑफ कमोडिटाइजेशन वेयर द बेसिक आइडिया इज टू टेक द आउटकम ऑफ दिस प्रोसेस इन टू द कैपिटल मार्केट। जो हमारी कैपिटल मार्केट होती है उस कैपिटल मार्केट में फाइनेंशियल मार्केट और कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट से असेट्स लेकर वहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग के लिए इजीली अवेलेबल करके देना, इस प्रोसेस को हम लोग सिक्योरिटाइजेशन, जैसे कि कमोडिटाइजेशन कहते हैं, राइट? और ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है ये क्रिएट होने के बाद कहाँ पे आते हैं? तो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होने के लिए अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है होमोजेनिटी। जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है वो मार्केट इंस्ट्रूमेंट एक तरह के होते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स आर ब्रोकन इन टू द लॉट ऑफ अफोर्डेबल टू द मार्जिनल इन्वेस्टर्स। अब मार्जिनल इन्वेस्टर्स मतलब कौन? जो हमारे पब्लिक इन्वेस्टर्स होंगे, इन पब्लिक इन्वेस्टर्स में कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे, या फिर कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकता है। तो हर एक इन्वेस्टर्स को उसे परचेस करते आना चाहिए, इस तरह की लेवल में उसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, उसे हम लोग फ्रेम करेंगे या ब्रेक करेंगे।
राइट, इसलिए उसे होमोजेनिटी इन नेचर का एक फीचर भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन नॉर्मली जो सिक्योरिटाइजेशन होता है ये प्रोसेस क्या होती है, तो डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द एंटिटी वेयर इन एक पर्टिकुलर असेट को हम लोग डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसे अलग अलग लेवल पे बांटते हैं और जो कैश फ्लोज होता है वो कैश फ्लोज मैनेज करते हैं। कैश फ्लो कैसे मैनेज होगा, तो इन्वेस्टर्स से लेकर सारा सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इन्वेस्टर्स से पैसा बॉन्ड्स के थ्रू मिलेगा स्पेशल पर्पज़ व्हीकल को। स्पेशल पर्पज़ व्हीकल उस मॉर्गेज पुल के अगेंस्ट में अवेलेबल करके देगी कैश बैंक को और बैंक लोन डिसबर्स करेगा बोरोवर्स को। तो ये जो हमारे कैश फ्लोज है इस कैश फ्लोज को हम लोग कहते हैं डीकंस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो ये हमारी वेरियस क्लासेस के थ्रू वेरियस एंटिटीज के थ्रू हम लोग यहाँ पर कैश फ्लो जो होता है वो मेंटेन होता रहता है। ठीक है, ये हुए हमारे फीचर्स। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म मतलब क्या है, तो इन शॉर्ट यही हमारी प्रोसेस है जो हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में सीखी वही यहाँ पर एक डायग्राम में मैकेनिज्म में है। मैकेनिज्म के तौर पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है। पहले सिक्योरिटाइजेशन का मतलब दिया है, सिक्योरिटाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेट्स असेट्स यूजुअली इन द लिक्विड इन टू सिक्योरिटीज विच आर देन ब्रॉट एंड सोल्ड इन द फाइनेंशियल मार्केट, जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। किस तरह से होगा, तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल कलेक्ट द मनी इन टू अ पूल। मनी इन टू अ पूल मतलब कौन सा, ये जो सारे पैसे हैं ये यहाँ पे पूल में कन्वर्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। डिविजन ऑफ पूल इन टू अ स्मॉल पार्ट्स एंड सेलिंग देम एज अ सिक्योरिटीज, जो स्पेशल पर्पज व्हीकल होगी वो मॉर्गेज पूल में उसे एक साथ लेकर उसे कन्वर्ट करेंगी सिक्योरिटीज में इन बॉन्ड्स के थ्रू। देन बायर्स ऑफ दिस सिक्योरिटीज टू गेट इंटरेस्ट एंड मॉर्गेज पेमेंट्स, जो इन्वेस्टर्स होंगे उसे परचेस करेंगे उसके थ्रू उन्हें इंटरेस्ट रेट मिलेंगे और जो पैसे आएंगे वो पैसे जाएंगे। दिस सिक्योरिटीज आर कॉल्ड मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, अगर ये मॉर्गेज के थ्रू आती है तो इसे मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज कहा जाएगा और इनका पैसा फिर बाद में बैंक को लौटाया जाएगा। यही जो प्रोसेस है इन प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म को कंसिडर करके अगर यूजफुलनेस अगर हम लोग देखें इसी डायग्राम में तो क्या क्या है, बूस्ट इन लिक्विडिटी जो हम लोग बेनिफिट्स में आगे देखने भी वाले हैं, बूस्ट इन लिक्विडिटी, देन हेल्प्स रेजिंग द फंड्स, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड क्वालिटी रिटर्न्स। साथ ही साथ लिमिटेशंस अगर देखें तो रिस्की फॉर लेंडर्स, डिफिकल्ट टू असेस द रिस्क फैक्टर इन द सिक्योरिटी, ये सारे पॉइंट्स हम लोग आगे देखने ही वाले हैं। राइट, मैकेनिज्म होने के बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि सिक्योरिटाइजेबल असेट्स, कौन कौन सी असेट्स होती है जिसे हम लोग सिक्योरिटाइज कर सकते हैं। उसमें आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, एज पर द सिक्योरिटाइजेशन पॉलिसी 2012 ऑल ऑन बैलेंस शीट स्टैंडर्ड असेट्स आर एलिजिबल फॉर सिक्योरिटाइजेशन एक्सेप्ट, सभी बैलेंस शीट की असेट जो है वो सिक्योरिटाइज हो सकती है। ऐसी कौन कौन सी नहीं है, तो रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी। अब रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी मतलब कौन सी हुई, तो ये सारी हमारे क्रेडिट कार्ड रिलेटेड जो फैसिलिटीज होती हैं ये हमारी सिक्योरिटाइजेशन नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, असेट परचेस फ्रॉम अदर एंटिटीज, जो दूसरी किसी एंटिटी से हम लोगों ने कुछ असेट्स परचेस की है, जैसे कि जो हम लोगों ने ये लोन है या फिर कुछ असेट्स की तरह हम लोगों ने बॉन्ड्स वगैरह परचेस किए, तो उसे हम लोग अगेन सिक्योरिटाइज नहीं कर सकते हैं। लोन विथ बुलेट रिपेमेंट फॉर बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, बुलेट रिपेमेंट का मतलब होता है कि इमीडिएट रिपेमेंट जिस किसी भी लोन प्रोडक्ट का होगा उनको हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटाइज नहीं कर सकते हैं। इन शॉर्ट, शॉर्ट या मीडियम टर्म के जो हमारे लोन्स होते हैं उन्हें हम लोग सिक्योरिटाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फॉलोइंग असेट्स आर इजीएस्ट टू सिक्योरिटाइज, कौन सी असेट्स हैं कि जिसे हम लोग इजीली सिक्योरिटाइज कर सकते हैं, जैसे कि द असेट्स दैट ऑकर इन अ लार्ज पूल। लार्ज पूल मतलब क्या, जैसे कि प्रॉपर्टी लोन होगा तो प्रॉपर्टी लोन में हम लोग की हाउस प्रॉपर्टी होगी या फिर लेट आउट प्रॉपर्टी होगी या फिर हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज होंगी। इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अगर कहीं पर मॉर्गेज रखते हैं तो ऐसे एक बैंक के पास बहुत सारे कस्टमर्स होंगे कि जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ मॉर्गेज रखी है और उन प्रॉपर्टीज़ को एक साथ करके एक इवन मॉर्गेज पूल में लेकर उसे सिक्योरिटाइज करना ज़्यादा आसान होता है कंपैरेटिवली अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट असेट को सिक्योरिटाइज करने से। नेक्स्ट, असेट फॉर विच पास्ट एक्सपीरियंस कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द डिफॉल्ट रेट्स,
असेट फॉर विच पास्ट एक्सपीरियंस कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट द डिफॉल्ट रेट्स। जैसे कि कुछ असेट्स होती है, जैसे जो मॉर्गेज पे रखी जाती हैं, उन मॉर्गेज पे रखी हुई असेट्स को अगर हम लोग कंसिडर करें तो वहाँ पे हम लोग को इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सी असेट्स में ज़्यादातर डिफॉल्ट्स होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो जो व्हीकल्स होती है, व्हीकल लोन होते हैं, तो व्हीकल लोन्स में डिफॉल्टर्स ज़्यादा होते हैं, तो उन व्हीकल लोन्स को डिफॉल्टर जो होंगे उनको हम लोग इजीली सिक्योरिटाइज कर सकते हैं, उसे हम लोग इजीली स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू कैश अवेलेबल करके लिक्विड मार्केट में ले सकते हैं। देन नेक्स्ट, द असेट फॉर विच डॉक्यूमेंटेशन इज स्टैंडर्डाइज। जो कोई भी असेट है पर्टिकुलर, वो चाहे फिक्स असेट हो, टेंजिबल असेट हो, जो मॉर्गेज के पर्पस के हिसाब से बैंक के पास गिरवी रखी जाती है या बैंक के पास दी जाती है, जिनके लिए एक्चुअल असेट परचेस करने के लिए बोरोवर को भी कुछ ना कुछ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने होंगे, ऐसी कोई असेट्स होती हैं तो उन्हें इजीली हम लोग सिक्योरिटाइज कर सकते हैं। जैसे कि होम लोन, होम लोन लेते वक्त पर्टिकुलरली बायर जो होता है, उस बायर को उस पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्लियर रखने होते हैं, तभी जाके लोन प्रोवाइड होता है। ये लोन किस तरह से देना है या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करना है, ये बैंक के पास स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स होते हैं। इन स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में दिए जाने वाले सभी बोरोवर्स के थ्रू आने वाले मॉर्गेजेस या मॉर्गेज सिक्योरिटीज जो होती हैं वो इजीली हम लोग सिक्योरिटाइज कर सकते हैं। द असेट्स फॉर विच ओनरशिप इज ट्रांसफरेबल, जिनकी ओनरशिप ट्रांसफरेबल होती है वो असेट हम लोग इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, इजीली सिक्योरिटाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो उसमें एग्जाम्पल्स दी है टर्म लोन्स, कमर्शियल लोन्स, रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट्स, व्हीकल लोन्स या लीज फाइनेंसिस, इन सभी को हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटाइज कर सकते हैं। ये सारी सिक्योरिटीज जो होती हैं, ये सारी सिक्योरिटीज दो अलग अलग हिस्सों में बैठती हैं, एक एबीएस और दूसरी एमबीएस। एसेट बैक्ड सिक्योरिटी यूजुअली पूज डिफरेंट असेट्स लाइक क्रेडिट कार्ड, ऑटो लोन्स एंड मोर्स, जिनके लिए अलग अलग लेवल की, जहाँ पर मॉर्गेज है ही नहीं, जहाँ पर मॉर्गेजेस रखे ही नहीं है, कोई कोलेटरल रखे ही नहीं है, उन सभी सिक्योरिटीज को अगर हम लोग सिक्योरिटाइज करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं असेट बैक्ड सिक्योरिटीज। अगर जिन असेट को हम लोग सिक्योरिटाइज कर रहे हैं, जिन लोन्स को हम लोग सिक्योरिटाइज कर रहे हैं, उन लोन्स को अगर मॉर्गेज हम लोग कहते हैं, जिनके अगेंस्ट हम लोग मॉर्गेज लेते हैं, जिनके अगेंस्ट हम लोग कोलैटरल रखते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, वेयर पुल्स आर मॉर्गेजेस ओनली। जैसे कि हम लोगों ने अभी के आज के एग्जाम्पल में देखा था कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई, उसके बाद में ये सारी कंप्लीट सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस हुई, राइट? तो इसे हम लोग कहते हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। ये जो प्रॉपर्टी हुई और ये जो मॉर्गेज के थ्रू मॉर्गेज कस्टडीज, यहाँ पर टाइटल डीड्स होंगे जिसे हम लोग मॉर्गेज पूल कहते हैं, ये मॉर्गेज पूल हमारे लिए क्या हो गए, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग आते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो कि बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में आने वाले अलग 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 पॉइंट्स, एक इश्यूअर के लिए, दूसरा इन्वेस्टर के लिए और तीसरा इकोनॉमी के लिए। इश्यूअर के लिए अगर देखें तो ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द ओरिजिनेटर, जो कोई भी असेट्स होती हैं उन असेट्स को अगर हमारे पास में लोन जो हम लोगों ने दिया है वो रिसीवेबल होता है, अगर वो रिसीवेबल है और अगर वो डिफॉल्ट हो सकता है तो वो सारे के सारे अगर हम लोग सिक्योरिटाइज कर देते हैं, तो सिक्योरिटाइजेशन में जो हमारी लिक्विड असेट नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स या लॉन्ग टर्म लोन्स के सेक्शन में अगर उसे हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट होके आ जाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। सेकेंड पॉइंट है इफिशियंट फाइनेंसिंग। जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो जहाँ पर ज़्यादा रेटिंग्स होंगी इंस्ट्रूमेंट्स की, वहाँ पर हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। साथ ही साथ में जो बोरोवर होते हैं, वो बोरोवर कैन ऑब्टेन द फंड्स एंड लोअर द इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल टू द हाईली रेटेड इंस्ट्रूमेंट, एंड अगेन अ प्राइसिंग एडवांटेज। जो इश्यूअर होता है, वो इश्यूअर क्या करेगा, तो बोरोवर को अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट के थ्रू वहाँ पे अवेलेबल करके दे सकता है लोन, जिसकी वजह से उन्हें फाइनेंशियल इनकम जो है वो अच्छा खासा मिल सकता है। देन लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट ये कैसे होगा, तो जो कोई भी हमारी सिक्योरिटाइजेशन एनेबल बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी जो रेगुलेटरी कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स है, वो इस तरह की जो असेट्स हैं उसे ट्रांसफर करके जो रिस्क है उसे बैलेंस कर सकते हैं इन द बैलेंस शीट, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है द लिक्विडिटी मैनेजमेंट। जो
लिक्विडिटी, कैश एंड कैश इक्वलेंट अमाउंट्स जो हमारे पास में अवेलेबल होनी चाहिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के पास, उसे मैनेज करने के लिए इस तरह की सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल रेशियोज़, जो हमारे फाइनेंशियल रेशियोज़ होते हैं उन सभी फाइनेंशियल रेशियोज़ में इम्प्रूवमेंट इस तरह की लिक्विडिटी की वजह से मिल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म अगर लोन्स हम लोगों ने दिए हैं तो लॉन्ग टर्म असेट्स वो हमें कहलाती है, और अगर हम लोगों को वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो या फिर हमारे करंट रेशियो या फिर क्विक रेशियो में फाइंड आउट करनी होती है, तो हमारे पास में कैश अगर अवेलेबल नहीं होगी तो इन रेशियोज़ को अफेक्ट हो सकता है। तो वो कैश अवेलेबल करके रखना, वो करंट असेट्स अवेलेबल करके रखना, ये सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू हमें इजीली अवेलेबल हो सकता है। देन प्रॉफिट ऑन सेल, ये जो प्रॉफिट्स होते हैं, ये आने वाले जो प्रॉफिट्स होते हैं उसे हम लोग जो लोन्स होते हैं उन लोन्स को हम लोग सेल करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। कैसे कमाएंगे सेल करके प्रॉफिट? तो जैसे कि हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट पे देखा यहाँ पर कि लोन जो है वो लोन हम लोग 13% से चार्ज कर रहे हैं और उसे सेल करके 8% के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश अवेलेबल करके ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो 5% का है वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? तो सेफ्टी फीचर्स होंगे, दूसरा परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड होगा और हाई रिटर्न फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ये चारों पॉइंट हम लोगों ने एग्जांपल में डिस्कस किए थे। जैसे कि सेफ्टी कैसे पता चलेगी? जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होंगी वो इस तरह की रेटिंग्स प्रोवाइड करेंगी, तो इजीली हमें पता चलेगा कि किस में, किस असेट में या किस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में कौन कौन सी किस लेवल की रिस्क वहाँ पे है, और उस बेसिस पे हम लोग रिटर्न करेंगे। दूसरा परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड, जो कोई भी असेट्स हैं उन असेट्स को सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करने के बाद सिक्योरिटीज़ का परफॉर्मेंस किस तरह से था, उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड्स थे जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स थे वो किस लेवल तक के हम लोगों को मिले थे और हर बार मिले हैं या नहीं है, ये पास प्रीवियस रिकॉर्ड से हम लोग चेक करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाई रिटर्न, अगर हम लोग हाई रिस्क सिक्योरिटी वहाँ पे, हाई रिस्क सिक्योरिटी में अगर हम लोग इन कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न्स भी हाई रेट मिलेंगे, हाई रेट पे मिलेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो कोई भी हमारी सिक्योरिटीज़ है, जो मार्केट बेस्ड सिक्योरिटीज़ होंगी, उन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को हम लोग इजीली बाय और ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो कोई भी ड्यूरेशंस है वो ड्यूरेशंस कुछ महीने से लेकर, मतलब 1 से 3 महीने से लेकर कुछ साल तक का भी हो सकता है। जो रिपेमेंट होते हैं वो रिपेमेंट भी इजीली हमें मिलते हैं। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट रेट भी फ्लोटिंग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़। इकोनॉमी को बेनिफिट अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिक से रिलेटेड बेनिफिट हम लोग नाम से भी जान सकते हैं, जैसे कि कनेक्ट इन द कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट। दोनों कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट, इन दोनों को हम लोग कनेक्ट करते हैं। जो हमारी कैपिटल असेट्स होती है उन्हें कन्वर्ट करके हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज फाइनेंशियल मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल करके देते हैं। मार्केट एफिशिएंसी के बारे में अगर देखें तो मार्केट एफिशिएंसी जो होती है वो फाइनेंशियल असेट जो होती है जैसे कि लोन, जो रेडूट एक्सेस होता है उन्हें हम लोग इजीली डिपेंडेंस जो होते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज के थ्रू कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए यूजफुल में लेते हैं। जैसे कि बैंक के लिए जो अवेलेबल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमारी लिक्विड रिक्वायरमेंट्स थी, वो यहाँ पर इमीडिएटली आती है। साथ ही साथ उसका बेनिफिट क्या होता है कि हमारी जो मार्केट एफिशिएंसी है वो अच्छी खासी बनी रहती है, जिसकी वजह से जो हमारे कस्टमर हैं उन कस्टमर को भी इस तरह की असेट्स बाय करने का चांस मिलता है। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन, अगर स्पेशलाइजेशन के बारे में सोचें तो एक टिपिकल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है कि एक पर्टिकुलर लेवल के ही असेट्स सिक्योरिटाइज करती है, और उन सिक्योरिटाइजेशंस की वजह से जो अवेलेबल कैश या बेनिफिट्स या ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे के सारे अच्छे खासे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें डिफॉल्टर्स के चांसेस कम होते हैं। लास्ट स्ट्रीमलाइन सिस्टम एंड प्रोसेस। अब ये स्ट्रीमलाइन सिस्टम एंड प्रोसेस क्या होती है? जो RBI गाइडलाइंस होती है सिक्योरिटाइजेशन के लिए वो सारे के सारे हाई लेवल डाटा ट्रांसपेरेंसी और सिस्टम को रिवर्स करने के लिए वहाँ पे बनाई गई है, जिसकी वजह से सारे नॉर्म्स और रेगुलेशंस इन सिक्योरिटाइजेशन में इन्वॉल्व सभी पार्टीज को, मतलब जो हमारी बैंक, देन स्पेशल पर्पज व्हीकल और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इन सभी को अच्छी तरीके से वहाँ पे क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, और उसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन होती है। ये सारे पॉइंट्स हमारे इकोनॉमिक के बेनिफिट्स से रिलेटेड थे। अब आते हैं नेक्स्ट दो पॉइंट्स, जो कि है पास थ्रू सर्टिफिकेट और स्पेशल पर्पस व्हीकल।
अब स्पेशल पर्पस व्हीकल के फंक्शंस हम लोगों को अच्छे से पता है, लेकिन स्पेशल पर्पस व्हीकल से पहले यहाँ पर हम लोग पास थ्रू सर्टिफिकेट शॉर्ट में सीख लेंगे। अ पास थ्रू सर्टिफिकेट इज अ सर्टिफिकेट दैट इज गिवन टू एन इन्वेस्टर अगेंस्ट द सर्टेन मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज दैट लाइव विद द इश्यूअर। द सर्टिफिकेट कैन बी कंपेयर्ड टू द सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स दैट मे बी इशूड बाय द बैंक्स एंड अदर कंपनीज टू द इन्वेस्टर्स। इन शॉर्ट जो कोई भी इन्वेस्टर्स होंगे, इन इन्वेस्टर्स को ये पर्टिकुलर बॉन्ड्स परचेस करने के लिए जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसे किया जाता है उसे कहलाते हैं हम लोग पास थ्रू सर्टिफिकेट्स। ये पास थ्रू सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? तो जो हमारे स्पेशल पर्पज़ व्हीकल हो या फिर हमारी बैंक इशूअर हो, ये इशू करती है। ये किसके अगेंस्ट में आते हैं? इशूड अगेंस्ट द अंडरलाइन असेट्स। मतलब जब बॉन्ड्स यहाँ पर इशू होंगे तो बॉन्ड्स के साथ साथ वहाँ पर बताया जाएगा कि अगर बॉन्ड्स के पैसे इन्वेस्टर्स को रिफंड नहीं मिलेंगे मैच्योरिटी डेट पे, तो वो सारे बाउंड होते हैं इस पर्टिकुलर मॉर्गेज प्रॉपर्टी के पे। तो ये जो मॉर्गेज पूल है वो भी वहाँ पर मैंशन किया जाता है। देन बेसिक फीचर जो है इनका पास थ्रू सर्टिफिकेट का, वो फिक्स्ड इनकम जो होता है वो फिक्स्ड इनकम यहाँ पर कंसिडर किया जाता है या फिक्स्ड इनकम यहाँ पर वहाँ पे ऑफर किया जाता है। ठीक है, दैट इज इंटरेस्ट उन्हें दिया जाता है हर बार। सिक्योरिटीज जो होती है ऐसे डिबेंचर्स बॉन्ड्स, इन्हें हर बार क्या दिए जाते हैं? इंटरेस्ट ही दिया जाता है। ये पास थ्रू सर्टिफिकेट के बाद में आते हैं हम लोग स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो हम लोगों ने इस एग्जांपल में यहाँ पर देखा था। राइट, स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होते हैं? इंट्रोडक्शन। अ स्पेशल पर्पस व्हीकल आल्सो कॉल्ड अ स्पेशल पर्पस एंटिटी इज अ सब्सिडरी क्रिएटेड बाय अ पैरेंट कंपनी टू आइसोलेट द फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क कौन सी होगी? तो जो इलिक्विडिटी होगी कंपनी के पास में, उसे लिक्विडिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो फाइनेंशियल रिस्क वहाँ पे मीट करने के लिए इस तरह की SPE या SPV वहाँ पे क्रिएट की जाती है। इट्स अ लीगल स्टेटस एज अ सेपरेट कंपनी। इनको अलग लीगल स्टेटस भी होता है एज अ सेपरेट कंपनी। जो ऑब्लिगेशन होते हैं वो होते हैं सिक्योर इवन इफ द पेरेंट कंपनी गोज बैंक्रप्ट। अगर पेरेंट कंपनी बैंक्रप्ट हो गई तो भी स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी वहाँ पर सस्टेन कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो कोई भी मॉर्गेज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स मॉर्गेज पूल के थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास में आ जाते हैं। यूज ऑफ SPV। SPV का क्या यूज होगा? एक पहले तो रिस्क शेयर हो जाती है कि जो बैंक है वो पर्टिकुलर बैंक को रिस्क यहाँ पर शेयर हो जाती है कि उनकी जो 13% जो लोन था वो लोन सारा का सारा यहाँ पर बोरोवर से रिपेमेंट होगा या नहीं होगा, वो लोन यहाँ पर रिस्क स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफ़र हो जाता है। सिक्योरिटाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। असेट्स जो होती है वो ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर काम में आ सकती है स्पेशल पर्पस व्हीकल। असेट ट्रांसफ़र कौन सी? तो पर्सन ए से लेकर पर्सन बी तक, या फिर बैंक ए से बैंक बी तक वहाँ पे असेट ट्रांसफ़र करनी हो तो वहाँ पे इस तरह के ट्रांसफ़र स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी सेल। जो कोई भी सेल्स प्रॉपर्टीज होंगी, उन प्रॉपर्टीज़ को अगर रीसेल करने का टाइम आए, अगर कोई लोन रिपेमेंट नहीं करता है तो उसको लोन रिकवर करने के लिए जो कोई भी असेट्स होंगी, उन असेट्स को अगर बेचकर पैसा रिकवर करना है, तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल वहाँ पे वो काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट आती है बेनिफिट्स ऑफ SPV। बेनिफिट्स में क्या क्या आते हैं? आइसोलेटेड फाइनेंशियल रिस्क। जो फाइनेंशियल रिस्क है वो एक तरह अलग जो बैंक के पास थी वो अलग से लेकर यहाँ पर स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास में आ जाती है, जो डाइवर्सिफाई हो जाती है इन्वेस्टर्स को। राइट, नेक्स्ट, डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ द स्पेसिफिक असेट्स। डायरेक्ट ओनरशिप कैसे मिलता है? जो मॉर्गेज पूल होते हैं उसमें जो कस्टडियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास में आ जाते हैं, स्पेशल पर्पस एंटिटी के पास में आता है, जिसकी वजह से उन्हें सारी असेट्स का ओनरशिप मिलता है। टैक्स सेविंग इफ द व्हीकल इज अ क्रिएटेड इन अ टैक्स हेवन सच एज अ कैमन आइलैंड्स। जो नॉर्मल टैक्स सेविंग जहाँ पर मिलते हैं स्पेशल पर्पज़ व्हीकल, ये कहाँ से मिलते हैं? तो उनको टैक्स सेविंग कब मिलेगा? कि जहाँ जिस कंट्रीज में इन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स के लिए टैक्स नहीं चार्ज किया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग उसकी टैक्स सेविंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट है इजी टू क्रिएट एंड सेटअप द व्हीकल।
एक अलग से कंपनी फॉर्म करो, उससे पैसे ले लो, लोन ले लो, उसे कन्वर्ट करो डॉक्यूमेंट्स को, और डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करके सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल करके दो। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर्म करने का, राइट। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ एसपीवी। एसपीवी के लिए रिस्क क्या क्या होंगी या कौन कौन सी तरीके की रिस्क हो सकती है? बेसिकली लोअर एक्सेस टू कैपिटल एट द व्हीकल लेवल। जो हमारी कैपिटल असेट होती है, जैसे कि बोरोवर ने जो प्रॉपर्टी कुछ जैसे कि हाउस होगा, तो हाउस को वहाँ पे एक्सेस नहीं मिलता है सिंस इट डजेंट हैव द सेम क्रेडिट एज द स्पॉन्सर। जो हमारे स्पॉन्सर होते हैं, फर्स्ट स्पॉन्सर जो होते हैं बैंक, उनका जो एक्सेस होता है, उस तरह के एक्सेस स्पेशल पर्पज व्हीकल को यहाँ पर नहीं मिलते हैं, दो दे हैव अ ओनरशिप ऑल्सो। देन मार्क टू मार्केट अकॉर्डिंग द रूल्स कुड बी ट्रिगर्ड इफ एन असेट इज सोल्ड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग द स्पॉन्सर्स बैलेंस शीट। अगर कोई भी हमारी असेट होगी, तो उन असेट को अगर हम लोगों ने सेल कर दिया, तो सेल करने के बाद जो स्पॉन्सर होता है, जो स्पेशल पर्पज व्हीकल होता है, उन्होंने जो पेमेंट किया होता है, उनकी जो बैलेंस शीट बनेगी स्पेशल पर्पज व्हीकल की, उससे वो अफेक्ट होता है। देन रेगुलेटरी चेंजेस कुड कोर्स रेगुलेटरी चेंजेस कुड कॉज द सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर द कंपनीज यूजिंग दीज व्हीकल्स। जो रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं, मतलब जैसे कि आरबीआई की कुछ पॉलिसीज होंगी, या फिर जो हमारे नॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, उसमें चेंजेस हर बार होते हैं, जिसकी वजह से कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स इस तरह की कंपनीज को आ सकते हैं। जैसे कि कुछ असेट की फाइनेंसिंग मेंटेन करना, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मेंटेन करना, अगर डॉक्यूमेंटेशंस नहीं होंगे तो उन सभी प्रॉपर्टीज़ को रिटर्न करना, या फिर बोरोवर्स होंगे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स होंगे उन इन्वेस्टर्स के जो राइट्स हैं उसे वहाँ पे मेंटेन रखना, ये सारी की सारी रिस्क यहाँ पर स्पेशल पर्पस व्हीकल को आ सकती है। देन लास्ट पॉइंट, द ऑप्टिक्स सराउंडिंग स्पेशल पर्पस व्हीकल आर समटाइम्स नेगेटिव। जो हमारे स्पेशल पर्पस व्हीकल है, उन स्पेशल पर्पस व्हीकल को अगर कंसीडर करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो रिस्क हम लोग कहते हैं, तो ऑप्टिक्स मतलब कौन से, तो जो आजू बाजू स्पेशल पर्पस व्हीकल के साथ साथ जो अलग अलग लेवल की एंटिटीज छोटी मोटी काम करती हैं, उन सभी एंटिटीज को हम लोगों को मेंटेन रखना होता है अच्छे से। अगर उनका कहीं निगेटिव इंपैक्ट मार्केट पे होगा, तो हमने जो कन्वर्ट की हुई सिक्योरिटीज़ है, उन सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्टर्स परचेस नहीं करेंगे, और उन इन्वेस्टर्स ने नहीं परचेस किया, तो हम लोग हमारी पैरेंट कंपनी को वहाँ पे इजीली लिक्विड कैश अवेलेबल करके नहीं दे सकते हैं। तो और वो सारा बर्डन हमारे पास में आ सकता है, जो हमें जेब में से पैसे स्पेशल पर्पस व्हीकल को हमारे खुद के अकाउंट में से पैसे वहाँ पे अवेलेबल करके देने पड़ेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो हमारे थे, वो सिक्योरिटाइजेशन से रिलेटेड थे, इंक्लूडिंग द स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, तो आई होप कि ये डायग्राम आपको सबको क्लियर है।